सिद्धार्थ प्रॉपर। डियर स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था, आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो आज का जो टॉपिक होगा उस पर ओवरऑल डिस्कस होगा जो आपका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टूडेंट, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको देखना ये है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, मीन्स ए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से इवेंट आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली है क्या कि जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, तो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे देखिए क्या है कि आपको मैं बताया था एंडोस्पर्म के बारे में, बता रहा था मैं आपको एंडोस्पर्म के बारे में। स्टूडेंट, जो एंडोस्पर्म होता है इसकी डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना है। अब कंसिडर ये करना स्टूडेंट, जैसे देखिए कि एंडोस्पर्म्स में जैसे आपका एक था बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन का। तो डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे कैसे क्या हुआ। इस डबल फर्टिलाइजेशन में देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सेंटर में जो होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई थे सेंट्रल सेल, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं स्टूडेंट, पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई बेसिकली है क्या। उसके बाद आप देखिए जो आपका सिनर्जिड्स रीजन था, यहां पे आपका एक एक सेल्स था, ये आपका एक सेल्स था, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में टू मेल गैमेट्स आते हैं, सपोज डेट कि ये आपका टू मेल गैमेट्स हैं, पॉलन ट्यूब्स बनाए गए हैं, टू मेल गैमेट्स हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि टू मेल गैमेट्स हैं, इसमें से एक मेल गैमेट्स क्या होता है, सिनर्जिड्स के रास्ते वो चला जाता है एक सेल के पास, और जब आपको मेल गैमेट्स एक से फर्टिलाइज करता है तो स्टूडेंट जाइगोट बनेगा, और जाइगोट हमेशा आपको पता है टू ईयर होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका सेकेंड मेल गैमेट्स होता है स्टूडेंट, सेकेंड मेल गैमेट्स आपकी पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा। जो सेकेंड मेल गैमेट है जब वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा, तो बेसिकली है क्या कि जब फ्यूज कर रहा है तो यहां पर जो होता है थ्री यंग्स हो जाता है स्टूडेंट, कितने यंग हो जाएंगे स्टूडेंट, थ्री यंग्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई के पास ऑलरेडी टू यंग है, मतलब एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। थ्री न्यूक्लियाई की जो बात करते हैं हम लोग, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका एज ए हैप्लॉइड, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। बट है क्या स्टूडेंट कि जैसे ही पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट्स जाकर फ्यूज कर रहा, तो इसको बेसिकली हम लोग एज ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई PEN करते हैं स्टूडेंट। जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है तो इसको हम लोग PEC कहते हैं, PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल सेल्स में आपकी पोलर न्यूक्लियाई है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए जो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली एंडोस्पर्म सेल क्या, जैसे आपका यहाँ आप देख रहे हैं जायगोट बना हुआ है, तो जायगोट आगे चल करके डेवलप करके आपका एम्ब्रियो बनाएगा, ये तो कंफर्म है, जायगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा। बट होगा क्या कि जो यहां पर आप देख रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, मींस ए कि जो स्टूडेंट
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं। ये आगे चल करके प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं, और प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू वेल डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनाना स्टूडेंट, एंडोस्पर्म बनाना। एंडोस्पर्म का काम ही होता है स्टूडेंट कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में एज ए न्यूट्रिशन का काम करेगा, फूड का काम करेगा, वहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट ये जो हो रहा है एक्टिविटी आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, जो एंडोस्पर्म है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए कि ये जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे देखिए, ये एंडोस्पर्म बेसिकली फूड प्रोवाइड कर रहा है। जो जाइगोट होता है स्टूडेंट वह एम्ब्रियो आगे चल करके बनाएगा, जो ओव्यूल्स होते हैं स्टूडेंट वह सीड बनाएंगे, जो आपके ओवरी होते हैं स्टूडेंट वह फ्रूट बनाएंगे। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये ओवरा है क्या, ये बताया जा रहा है आपको कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इतने इवेंट होंगे, मीन्स ए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको ओवरी से फ्रूट बनेंगे, ओव्यूल से सीड बनेंगे, जायगोट से एम्ब्रियो बनेंगे और एंडोस्पर्म से फूड बनेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट है आपका, यही आपके इतने मेन इवेंट हैं स्टूडेंट, ठीक, जिसमें से अभी आपको एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट, जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगा वह जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले होगा, क्यों, क्योंकि पहले जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन उसको इजीली मिल पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेचर के बेस पे एंडोस्पर्म की बात करते हैं। नेचर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि जैसे एंडोस्पर्म जो होते हैं उनका अलग अलग नेचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होंगे इसमें क्या होगा कि स्टार्ची कंडीशंस होंगे, स्टार्ची का मतलब है कि स्टार्च ज्यादा होगा, सॉरी। नेक्स्ट देखिए कि कुछ एंडोस्पर्म ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जो प्रोटीन्स की बात करते हैं हम लोग कि प्रोटीनियस होगा, यानी कि प्रोटीन ज्यादा होंगे, प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे एंडोस्पर्म्स। कुछ ऐसे भी होंगे जो आयली होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्टोरी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है कि अब्सेंट होगा। एक चीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें स्टूडेंट कि जो एंडोस्पर्म की बात करते हैं हम लोग ये बेसिकली आपका 3N है, एंडोस्पर्म जो होता है 3N होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है स्टूडेंट जिसमें 2N आपको देखने को मिलेगा, जैसे इलोथेरा को देखिए तो इसमें जो एंडोस्पर्म होता है स्टूडेंट वह बेसिकली 2N होता है, ठीक है, जो इलोथेरा की बात हो रही है। अच्छा जो हम लोग अब्सेंट की बात कर रहे थे कुछ ऐसे भी होंगे इसमें अब्सेंट होगा, तो देखिए जो आर्किडेसी फैमिली होता है और जो आपका ट्रेपेसी फैमिली होती है, आर्किडेसी और ट्रेपेसी जो फैमिली होता है स्टूडेंट उसमें बेसिकली क्या होता है कि एंडोस्पर्म अब्सेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं हम लोग स्टार्ची का एग्जांपल देखते हैं किसका एंडोस्पर्म होता है, स्टार्ची है आपका वीट हो गया, इसको गेहूं कह रहे हैं, राइस हो गया, तो वीट और राइस जो होते हैं आपका इनका जो एंडोस्पर्म होता है स्टार्ची होता है स्टूडेंट। एलुरॉन लेयर्स की बात करते हैं, एलुरॉन लेयर्स होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एलुरॉन लेयर्स जो होता है मेंस की अगर बात करते हैं हम लोग मेंस, तो जो एलुरॉन लेयर्स होता है स्टूडेंट बेसिकली वह प्रोटीन्स ज्यादा कंसीडर कर रहा है, यानी कि जो प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं मेंस का जो एंडोस्पर्म होगा वो प्रोटीनेसियस नेचर का होगा। कैस्टर आयल्स एंड कोकोनट की बात करते हैं, यानी कैस्टर्स की बात करते हैं, कैस्टर्स को बेसिकली हम लोग जो होता है रेसिनस करते हैं, रेसिनस करते हैं स्टूडेंट, रेसिनस कैमिस करते हैं, जो आपका रेसिनस कैमिस की बात हो रही है ये बेसिकली आपका आयली होता है स्टूडेंट, इनका जो एंडोस्पर्म होगा वह आयली होगा,
ठीक, कोकोनट भी हो गया। नेक्स्ट स्टोनी देखिए स्टूडेंट, स्टोनी में अगर देखा जाए तो अरेका है स्टूडेंट, इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टोनी नेचर्स का होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली नेचर्स के बेस पे है कि कौन सा एंडोस्पर्म का क्या नेचर है, ये आपको बताया गया। नेक्स्ट आपको बताया गया है कैसे जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे आप इसको ट्रिपल फ्यूजन कर रहे हैं, ठीक। और आफ्टर जो होता है फर्टिलाइजेशन कौन कौन से इवेंट आपको पढ़ने, ये आपको बताया गया है, जिसमें आपको एंडोस्पर्म्स के बारे में वगैरह बताया गया। कुछ स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अभी कि इंडो